ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत लंबे समय के बाद बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के विषय में। पिछले भाग में आपने जाना कैसे श्री ज्ञान संबंध जी ने जब भगवान शिव के समक्ष गीत गाए तो एक भूत ने शिव की आज्ञा से 1000 सिक्के ज्ञान संबंध को दिए और वो सिक्के उन्होंने अपने पिता को देकर के सोम यज्ञ करने के लिए कहा था। अब इससे आगे का भाग हम प्रारंभ करते हैं। यदि किसी भी शिव भक्त ने वो पिछले भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के वो पिछले भाग देख सकते हैं। यहाँ कहीं आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां आप पिछला भाग देख सकते हैं। अब इससे आगे प्रारंभ करते हैं। श्री ज्ञान संबंध जी श्री नीलकंठ और अन्य शिव भक्तों की मंडली के मायूरम, जिसे अभी तमिलनाडु के मलयाडुतुरे नामक स्थान के रूप में जाना जाता है, वहां से होते हुए कुष्टालम पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के त्रिकुट्रालम के नाम से जाना जाता है। फिर वहां भगवान शिव के निमित्त स्तुतियां गाते हुए वीणा वादन करते हुए ये पूरी भक्त मंडली श्री नीलकंठ जो इनके साथ शिव भक्त थे उनके मामा के गाँव धर्मपुर नामक नगर में पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के धर्मपुरम के नाम से जाना जाता है। वहां पर जो नीलकंठ के जो बांधव थे, जितने भी वहां रिश्तेदार थे, उन्होंने कटाक्ष करते हुए नीलकंठ से, तुम वीणा पर इतना अच्छा गाते हो इसलिए इसकी कविता अच्छी लगती है, अन्यथा इसकी कविताएं अच्छी नहीं है। ये बात सुन करके नीलकंठ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो श्री ज्ञान संबंध को अपने गुरु तुल्य समझते थे। फिर उन्होंने दुखी होकर के श्री ज्ञान संबंध जी से कहा कि आप ऐसी कविता की रचना कीजिए जिसे मैं वीणा पर भी ना गा सकूं। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने एक ऐसी कविता रची जिसे नारद और तुम्बुर जैसे विद्वान भी नहीं गा सकते थे। बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी जब श्री नीलकंठ जी उस कविता को वीणा पर नहीं गा पाए तब दुखी होकर के उन्होंने उस वीणा को तोड़ना चाहा। तभी श्री नीलकंठ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उस वीणा को छीन करके स्वयं वो वीणा बजाई और उस कविता को गाकर दिखाया और साथ ही नीलकंठ को सिखाया भी। कुछ दिन वहीं पर रह करके इन्होंने शिव के समक्ष गीत प्रस्तुत किए। फिर शिव भक्त नीलनगन के आमंत्रण पर ये उनके घर गए। इन नीलनगन को तमिलनाडु में त्रिनीलनकर के नाम से जाना जाता है। इनकी कथा पीछे आई भी है कि कैसे जब ये शिवलिंग पूजा कर रहे थे इनकी पत्नी के साथ, तो एक मकड़ी ने शिवलिंग के ऊपर जाला बुन दिया था। वो मकड़ी उस शिवलिंग के ऊपर घूम रही थी तो उन्होंने, इनकी पत्नी ने फूंक मार करके उस मकड़ी को हटा दिया था। फिर इनको क्रोध आ गया था कि इनकी पत्नी ने शिवलिंग को झूठा कर दिया है। वो पूरी कथा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। श्री नीलनगन के साथ ये कुछ दिन रहे। फिर शिव भक्त दब्र भक्त ने इनको आमंत्रित किया। दब्र भक्त को तमिलनाडु में सिरुतोंडर के नाम से जाना जाता है। इनकी शिव भक्ति भी एक बहुत ही उच्च स्तर की शिव भक्ति थी। स्वयं महादेव ने इनके भक्ति की परीक्षा की और बहुत जबरदस्त परीक्षा वो थी। ऐसी शिव कथा है वो कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतनी जबरदस्त वो शिव कथा इनकी अभी अगले भागों में आएगी। दब्र भक्त के यहाँ रह करके फिर वो आगे प्रस्थान करने लग गए। रास्ते में श्री ज्ञान संबंध जी ने एक स्त्री को, एक लड़की को विलाप करते हुए देखा। उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। जब इन्होंने पूछा तो उस स्त्री ने बताया कि ये जो पुरुष है उसके साथ वो विवाह करना चाहती थी किंतु सर्प ने उसे डस लिया है। फिर उस स्त्री ने बताया कि उसके पिता ने इस पुरुष से मेरा विवाह करने का वादा किया था किंतु मेरी दूसरी बहनों का विवाह अन्यायी पुरुषों के साथ मेरे पिता ने धन के लोभ में कर दिया और मुझे भी यही डर था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसके साथ भाग करके आ गई। अब ये बात सुन करके श्री ज्ञान संबंध जी सोचने लग गए। तभी वो स्त्री और विलाप करने लग गई कि हे शिव, जिस प्रकार से आपने कामदेव को जीवित करके रति को पति प्रदान किया था वैसे ही मुझे भी इसे जीवित करके पति रूप में प्रदान कीजिए। ज्ञान संबंध जी उसका विलाप सुन करके द्रवित हो गए और उन्होंने भगवान शिव के समक्ष गीत प्रस्तुत किए। दसवें गीत के साथ ही
शिव कृपा से वो व्यक्ति स्वस्थ रूप से जीवित हो गया और उठ करके बैठ गया। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने उन दोनों का विवाह संपन्न करवाया। ऐसी ही एक घटना सीसपुर में भी घटी, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुमुरुगल के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी श्री ज्ञान संबंध जी ने भस्म लगा करके एक बनिए के पुत्र को जीवित किया था और उसका विवाह विलाप करती हुई स्त्री के साथ शिवलिंग समी के वृक्ष और कुएं के साक्षी में करवा दिया था और उन दोनों को आशीर्वाद दिया था। वैसे समी वृक्ष के विषय में भी एक शिव भक्त पूछ रहे थे, समी वृक्ष के विषय में एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो आएगी और शिव पूजा में समी का पूरा महत्व तो बताया जाएगा। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध जी दब्र भक्त के घर सोनारण्य में गए और वहां पर उन्होंने दब्र नामक शब्द से युक्त 10 गीत भगवान शिव के निमित्त प्रस्तुत किए और वहीं पर श्री ज्ञान संबंध जी को वृषारूढ़ भगवान शिव के दर्शन हुए, यानी नंदी पर बैठे हुए भगवान शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके श्री ज्ञान संबंध जी ने स्वयं को धन्य और कृतार्थ समझा। इसके बाद श्री ज्ञान संबंध स्कंद भक्त के निवेदन पर उनके नगर श्री स्तुत्यनगर नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे तमिलनाडु के तिरुपुगलूर के नाम से जाना जाता है। वहां पर इन्होंने भगवान शिव के समक्ष गीत निवेदित किए। वहीं पर कमलाले से दर्शन करके वागीश जो त्रिनावक्रसर या अपर थे वो इनसे मिले और इन्होंने श्री ज्ञान संबंध को कमलाले का महात्म्य बताया और कमलाले क्षेत्र की प्रशंसा की। उनसे कमलाले का महात्म्य सुन करके श्री ज्ञान संबंध जी की प्रबल इच्छा हुई कि वो त्यागेश्वर भगवान शिव के समक्ष गीत निवेदित करें। फिर वहीं पर वागीश को रोक करके श्री ज्ञान संबंध जी स्वयं तिरुवारूर या कमलाले क्षेत्र पहुंचे और वहां पर भगवान शिव के समक्ष भाव युक्त होकर के बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने प्रस्तुत किए और पुनः फिर वागीश के पास लौट आए। वहां से चलते हुए वो दोनों शिव क्षेत्रों का एक साथ भ्रमण करने के लिए निकले। अब वागीश वृद्ध थे, वो पैदल चल रहे थे, साथ ही ज्ञान संबंध जी बहुत कम आयु के थे, वो भी पैदल ही चल रहे थे। अब वागीश ने जब जाना कि भगवान शिव ने स्वयं इन्हें पालकी दी हुई है जिसमें बैठ करके इन्होंने यात्रा करनी है, तब वागीश ने निवेदन किया कि आप पालकी में ही चलें। श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि आप मुझसे वृद्ध हैं, मैं आपके सामने कैसे पालकी में बैठकर आ सकता हूँ। फिर वागीश ने कहा कि रास्ता बहुत ही खराब है, कंकर पत्थर और कांटों से भरा हुआ है, मेरी आपसे विनती है कि आप पालकी में बैठकर ही यात्रा कीजिए। श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि ठीक है, फिर आप आगे चलिए, मैं पीछे आता हूँ, ताकि वो उन वृद्ध वागीश के आगे ना चल सके। इस प्रकार फिर पालकी पर बैठ करके श्री ज्ञान संबंध जी चलने लगे और वागीश उनके आगे चल रहे थे। अब आगे आगे वागीश चल रहे थे, जिन्हें तमिलनाडु में अपर के नाम से जाना जाता है। बीच में पालकी में श्री ज्ञान संबंध जी थे और पीछे वीणा वादक शिव भक्त श्री नीलकंठ थे। तीनों कलसीपुर पहुंचे, जिसे अब तमिलनाडु के त्रुक्कड़बूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव अमृत घटेश्वर के समक्ष तीनों ने अपने वचन रूपी फूलों से भगवान की स्तुति की। फिर यहाँ से तीनों आगे अन्य शिव क्षेत्रों में प्रस्थान करने लगे। अब इससे आगे के भाग में हम जानेंगे कैसे वागीश और श्री ज्ञान संबंध ने शिव भक्तों को अकाल और सूखे से बचाया, वो भी शिव की कृपा से। अभी तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।